हेलो वेलकम टू द चैनल आई यू द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसे कि आपको पता है आज है 13th जनवरी 2023। तो आज क्या हम करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो हमने रिसेंटली नेशनल यूथ डे हमने सेलिब्रेट किया, कौन से दिन सेलिब्रेट किया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी है, 12th जनवरी। तो 12 जनवरी को हम हर साल याद रखें, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम नेशनल यूथ डे की बात करेंगे तो नेशनल यूथ डे को जो है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की याद में जो है इस डे को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखें नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 1984 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डे को डिक्लेयर किया एज ए नेशनल यूथ डे। और फिर 1985 से जो है हम कंटिन्यूसली इस डे को हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। रिसेंटली लोगो एंड मैस्कॉट ऑफ द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 वाज रिलीज। It will be held in which of the following state? तो आपने बताना कि नेशनल 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है रिसेंटली हमने ऑर्गेनाइज किया। तो आपने बताना कि कौन से स्टेट के अंदर हमने इस डे को जो है सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया। तो याद रखें कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर हमने 26th नेशनल यूथ डे का फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया। अगर हम इसके अलावा देखेंगे नेशनल यूथ डे 2023 जो है कर्नाटका के अंदर हमने देखा। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 2023 की जो थीम थी वो है विकसित युवा विकसित भारत। ये याद रखें 2023 की जो 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल है इसका थीम था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आपको याद होगा कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है जागा मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसका मेन पर्पज़ है कि यहाँ पे जो है इस जितने भी कर्नाटका के अंदर गरीबी है, पुअर पीपल्स हैं, स्लम के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको जो है स्लम्स को एलिमिनेट करके। अगर हम इसके लोगो की बात करेंगे तो ये जो 26th नेशनल यूथ गेम का लोगो है, यहाँ पे आपको देख रहा होगा छोटा सा हाथ ये लोगो है, ये बंसल कैटकी जो कि ओडिशा के रहने वाला है इनके द्वारा जो है वो डिज़ाइन किया गया था। और इसकी इंस्पिरेशन जो है नेशनल फ्लावर लोटस से जो ली गई है। नेक्स्ट, रिसेंटली द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा हैज़ रिकमेंडेड द कमर्शियल ऑपरेशन। इट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो आपको पता है कि रिसेंटली मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मोपा के अंदर जो है उसको कमेंस किया गया है कि वो ऑपरेशन के अंदर, मतलब उसको जो है इनाग्रेट किया है। तो कौन सी स्टेट के अंदर है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी है गोवा। तो गोवा के अंदर जो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको रिसेंटली जो है कमेंस किया गया मोपा के अंदर। रिसेंटली हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फीमेल पायलट टू लीड एन इंडियन फाइटर स्क्वाडन ऑन फॉरन सॉयल इन द वीर गार्डन 2023 एक्सरसाइज इन जापान। तो आपने बताना कि कौन सी फर्स्ट इंडियन फीमेल फाइटर पायलट बनी है जिन्होंने इंडियन फाइटर स्क्वाडन को जो है जो वीर गार्डन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हमने जापान के साथ कंडक्ट की वहाँ पर जो है जिसको चलाया। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन याद रखें सी, अवनी चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है अवनी चतुर्वेदी जो है फर्स्ट वुमेन फीमेल फाइटर बनी है जिन्होंने लीड किया इंडियन फाइटर स्क्वाडन ऑन फॉरन सॉयल इन द वीर गार्डन मिलिट्री एक्सरसाइज विच वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो याद रखें वीर गार्डन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वीर गार्डन एक्सरसाइज जो है इंडिया और जापान के बीच में होती है। तो इसके अंदर जो पहला जो फीमेल इंडियन फीमेल फाइटर जो थी, जो फर्स्ट इंडियन फीमेल फाइटर थी, वो अवनी चतुर्वेदी है जिन्होंने इस फाइटर पायलट फाइटर स्क्वाडन लीडर बनी है ऑफ इंडियन फाइटर स्क्वाडन ऑन फॉरन लैंड। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो शिवा चौहान की बात करेंगे तो ये फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनी है जिनको हाईएस्ट बैटलफील्ड के ऊपर जो है वो डिप्लॉय किया गया। याद रखें कुमार पीर के ऊपर जो है इसको डिप्लॉय किया। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज हैरिस काउंटी जज बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूनाइटेड स्टेट। तो आपने बताना है कि किनको जो है हैरिस काउंटी जज जो है वो अपॉइंट किया गया और इसी के साथ ये फर्स्ट फीमेल सिख जज बनी है यूनाइटेड स्टेट की। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी है मनप्रीत मोनिका सिंह। यहाँ पे इमेज भी आपको दिख रहा होगा, मनप्रीत मोनिका सिंह जो है फर्स्ट फीमेल सिख जज बनी है यूएसए की और इनको हैरिस काउंटी जज जो है वो रिसेंटली स्वर्न किया गया। रिसेंटली विच आर द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स ट्रेडिशनल चेचरा फेस्टिवल। तो आपने बताना कि कौन सी स्टेट के अंदर जो है चेरछा फेस्टिवल जो है वो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया जो कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल भी है इसका। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन भी है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है रिसेंटली अपना ट्रेडिशनल फेस्टिवल चेरछेरा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। अगर हम चेरछेरा फेस्टिवल की बात करेंगे तो इसको ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का।
रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन सिक्योरिटी जनरल। तो आपने बताना कि एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के जो सिक्योरिटी जनरल है किनको अपॉइंट किया गया है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, विनय प्रकाश सिंह को जो है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन सिक्योरिटी जनरल जो है अपॉइंट किया गया। आपको पता है कि एशिया पैसिफिक पोस्टल जो यूनियन है इसका रिसेंटली जो है हेड किया गया है इंडिया के, इसकी जो प्रेजिडेंटशिप जो है इंडिया के पास है, प्रेजिडेंट की इंडिया के पास है इस टाइम, और इंडिया की तरफ से जो सिक्योरिटी जनरल इसको अपॉइंट किया गया है विनय प्रकाश सिंह। अगर हम एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर जो है थाईलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर से। तो रिसेंटली मेस्कॉट मोगली द स्मार्ट टॉर्च अमरकंतक एंड द थीम सॉन्ग ऑफ द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 वाज रिलीज, इट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी है, तो याद रखें मध्य प्रदेश, सॉरी ऑप्शन ए है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है रिसेंटली मोगली जो कि एक स्मार्ट टॉर्च है, 2007 में अमरकंतक, और एक थीम सॉन्ग जो है फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है रिसेंटली अनवील किया गया। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो अमरकंतक जो है ये कौन सी जगह है, ये ओरिजिन है नर्मदा रिवर का, तो जहाँ से ये भी जो है एक स्मार्ट टॉर्च अमरकंतक जो है अनवील की गई फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम। अब आप कमेंट के अंदर लिखें कि फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के जो है वो कौन से स्टेट के अंदर जो है खेले गए थे, वो आप कमेंट के अंदर लिखें। रिसेंटली विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिगन द फर्स्ट फेज ऑफ द कास्ट बेस्ड सर्वे, तो कास्ट बेस्ड सर्वे जो है सबसे पहले कहाँ पे जो है किया गया, तो याद रखें बिहार, तो बिहार के अंदर जो है पहला कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। जिस क्वेश्चन के अंदर भी जो है फर्स्ट वाली बात आती है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट आपके लिए हो ही जाता है, उसको किसी भी हालत में जो आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। रिसेंटली गंगा सागर मेला इज हेल्ड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट एवरी ईयर, तो आपने बताया कि गंगा सागर मेला जो है हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया, तो कौन सी स्टेट के अंदर जो इसको हेल्ड सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका याद रखें वेस्ट बंगाल के अंदर जो है गंगा सागर मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर हम वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर ममता बनर्जी की बात करेंगे तो इन्होंने डिमांड किया कि नेशनल स्टेटस जो है इस गंगा सागर मेला को जो है वो दिया जाएगा, और ये हम हर साल ऑन द आइलैंड ऑफ गंगा सागर जो है सेलिब्रेट करते हैं इन द स्टेट 24th सोत पर गाना गया। रिसेंटली किलाउ वोल्केनो हैज इरप्टेड, इट इज इन विच आर द फॉलोइंग कंट्री या रीजन, आपने बताना कि किलावा वोल्केनो जो है रिसेंटली इरप्ट किया गया, तो कौन सी स्टेट के अंदर, याद रखें यूएसए के अंदर जो है किलावा वोल्केनो जो है इरप्ट हुआ। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स जो है खत्म होते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद आते हैं वीडियोज़ को जो है लाइक जरूर करें, कमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सब्सक्राइब जो है ज़रूर करके रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको जो है सबसे पहले जो है मिलती रहे। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स जो है खत्म होते हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, और वीडियो किसी भी एंगल से आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोज़ को जो है लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।